गुजरात में जोरों पर चुनावी घमासान। पीएम मोदी ने विपक्ष पर बोला हमला। बताया किसका रिकॉर्ड तोड़ने आए हैं पीएम। विधानसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा के बाद अपने गृह राज्य में पहली चुनाव रैली को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने गुजराती में एक नया नारा दिया। आ गुजरात में बयानियों से, यह गुजरात मैंने बनाया। इतना ही नहीं, मोदी ने अपने 25 मिनट लंबे भाषण में लोगों से कई बार यह नारा लगाया। भाइयों बहनों, अंदर मनमाफी निकले थे आवाज, ये निकले थे आप गुजरात मैं बना बूझे हूँ। कैसा गुजरात समय पत्ता हाथ आम करीने बोल जो मैं बना बूझे। आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात, और जोर से आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात। प्रत्येक गुजराती है गुजरात बना बूझे, प्रत्येक गुजराती खूब मेहनत करीने लोई पसीनो एक करीने गुजरात बनायू छे भाईओ। इतले आजे पूरी दुनिया में अमारो एक ज संदेशो छे, अने संदेशो छे आ गुजरात, आ गुजरात, आ गुजरात। और कहा, घृणा फैलाने वाली और गुजरात को बदनाम करने वाली ताकतों को अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव में प्रदेश की जनता बाहर फेंक देगी। इसके साथ ही उन्होंने अगले महीने होने वाले चुनाव में बीजेपी के रिकॉर्ड मतों से जीत दर्ज करने का दावा किया। चुनाव से पहले गुजरात आए मोदी ने वलसाड जिले में एक रैली को संबोधित किया और बाद में भावनगर में सामूहिक विवाह कार्यक्रम में हिस्सा भी लिया। पीएम मोदी ने आगे कहा, जो लोग गुजरात को बदनाम करने का प्रयास कर रहे हैं, उन्हें आश्चर्य हो रहा है कि गुजरात की जनता उनके झूठे प्रचार पर भरोसा क्यों नहीं कर रही है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस राज्य के लोगों ने कड़ी मेहनत से गुजरात को बनाया है और वे किसी को इसे नुकसान नहीं पहुंचाने देंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्हें सूचनाएं मिल रही हैं कि गुजरात में बीजेपी रिकॉर्ड मतों से चुनाव जीतेगी। बता दें कि विधानसभा चुनाव के लिए गुजरात में दो चरणों में 1 और 5 दिसम्बर को मतदान होना है। मतों की गिनती 8 दिसम्बर को होगी। पीएम मोदी ने कहा, गुजरात में रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी बीजेपी। दिल्ली में बैठे बैठे मुझे रिपोर्ट मिल रही है कि बीजेपी इस बार गुजरात में रिकॉर्ड वोटों से जीतेगी। मैं यहां अपना ही पुराना रिकॉर्ड बीजेपी की जीत का अंतर तोड़ने आया हूं। मैंने गुजरात की जनता से कहा है कि जितना संभव है आपको उतना समय देने को तैयार हूं। गौरतलब है कि 2014 में देश के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने से पहले मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। गुजरात में बीजेपी का सबसे अच्छा प्रदर्शन दिसंबर 2002 में मोदी के नेतृत्व में हुए चुनाव में रहा, जब पार्टी का कुल 182 में से 127 सीट मिली थी। उन्होंने आगे कहा, आदिवासी हो या मछुआरे, ग्रामीण हो या शहरी, प्रत्येक गुजराती आज विश्वास से भरा है। इसीलिए हर गुजराती कहता है, आ गुजरात में बनवायू छू। प्रधानमंत्री ने कहा, क्योंकि हर गुजराती विश्वास से भरा हुआ है, यही वजह है कि वह अपने मन की बात कहता है। गुजरात के हर दिल से यही आवाज आती है, यह गुजरात मैंने बनाया है। उन्होंने कहा कि कुछ दशक पहले तक राज्य के आदिवासी इलाकों में विज्ञान की शिक्षा देने वाला एक भी स्कूल नहीं था, लेकिन आज आदिवासियों की पहुंच उनके क्षेत्र में बने विज्ञान कॉलेजों और विश्वविद्यालयों तक है। मोदी जी ने आगे कहा, गुजरात ने धीरे धीरे सामूहिक विवाह की परंपरा को अपना लिया है। पहले लोग सिर्फ दिखावे के लिए भव्य समारोह आयोजित करने के लिए कर्ज लेते थे, लेकिन अब लोगों को पता है, अब वे सामूहिक विवाह समारोह में हिस्सा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री ने नवविवाहित जोड़ों से समाज में योगदान करने को कहा, फिर चाहे वह किसी भी रूप में हो, चाहे वो भोजन बर्बाद नहीं करना हो या फिर कचरे को अलग अलग श्रेणी में छांटते ही क्यों न हो। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी इंडिया न्यूज।